हमने बस आपको एक ग्लिम्स दिया कि आप लोग भी बाहर मत निकलो, हम निकल रहे हैं, कोई बात नहीं क्योंकि अभी ऑफिस है। क्योंकि यार सच में अभी तो ये दिन चालू हुए थे कि यहाँ पे कुछ हरियाली वरियाली दिख रही थी अक्षरधाम पे, लेकिन अब तो वाला फील लग रहा है मुझे, कहाँ गए वो दिन। अबे पीछे वाला रोड दिखा लोगों को कितना खाली हो गया ये। हर साल ना ऐसे एक समर वेकेशन होता है, विंटर वेकेशन होता है, अब होता है कोरोना वेकेशन, क्योंकि हर साल आता है। अब हमारा तूने अपना लिए दूसरा तेरी शक्ल देख के मुझे यही आ रहा था, बुलाती है मगर जाने का नहीं। यूपी फिर भी थोड़ा बहुत ओपन दिख रहा है मुझे, यहाँ पे थोड़ा रश है ना बोटे, मतलब दिल्ली के कंपेयर में नोएडा में ज्यादा रश है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही भाई साहब सब कुछ ए टू जेड चीजें बंद मिलेंगी आपको, लेकिन फिर भी ओपन है यहाँ पे। बट कसम से बारिश ने जो सीन खराब कर रखा है ना हर किसी का, इस टाइम पे होनी जिद पर हो क्यों रही है इतनी सर्दी वाली बारिश है, जाने वाली इसके बाद नहीं होगी ना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। अच्छा कल नहीं होगी? नहीं मतलब ये लास्ट में होती है हमेशा हर साल बारिश। हाँ यार कल का तो क्या ही बताऊँ, कल तो फिर भी हम आज तो फिर भी बच गए हम, लेकिन कल तो भाई सब पूरा ए टू जेड गीला हो गया था ऑफिस जाने के लिए, मैं पूरे पूरे दोनों गीले हो गए थे। अब मेरे को आदत नहीं है, मैं ये कब से कह रही रेनकोट रेनकोट, लेकिन नहीं क्योंकि फिर जब रेनकोट लेने की बात आती है मुझे लगता है एक ही बार तो बारिश होती है पकड़ना। सीरियसली जितना मैं टाइम ऑफिस से मतलब घर से ऑफिस आने में लगाता हूँ ना, वो भी स्कूटी से, उससे भी मतलब जैसे मैं घर से निकलता हूँ अराउंड मुझे लगता है 45 to 55 मिनट्स लग जाते हैं यहाँ पहुँचने में, लेकिन आज हो गया मेरी कल 30 मिनट्स में, वो भी गाड़ी से यहाँ पहुँच गए हम आज। पूरा रोड खाली था, कुछ भी नहीं था, कहीं भी रेड लाइट तक नहीं थी। अबे रेड लाइट खुद तोड़ी है मैंने, पुलिस वाले खड़े भी थे लेकिन कुछ कहा नहीं, पता नहीं क्यों, मतलब मैंने शास्त्री बाग वाली तोड़ी थी ना, तेरे सामने तो तोड़ी लेकिन तुम्हारे पड़ी गए। पर हाँ ये है कि हाँ गुड़गांव में ऐसे नोएडा में कल रात को हम घर जाते लग रही थी बहुत तेज भूख, भाई दिल्ली में था कर्फ्यू और कसम से पेट में एक होता ना कि एक्सट्रीम वाली भूख जो होती वो लग रही थी, अब दिल्ली में तो कर्फ्यू था लेकिन उसके बदले मुझे एक ही ऑप्शन दिखाई दिया नोएडा में मोमोज। भाई कसम से अगर आज मान लेट से यहाँ पे भी कुछ होता ना नोएडा में तो वहां का भी सीन, फिर तो घर जाके मिलता जो मिलता, फंस जाते। मौसम चेंज होती है लड़की की हेल्थ भी चेंज हो जाती है। पानी पी ले भाई। निपट गए। हुआ क्या? अरे कल बारिश में गीले होने में कल पूरे पूरे गीले हो गए थे तो उसका रिएक्शन इस लड़की के ऊपर हो गया, मेरे को भी लग रहा है मेरे ऊपर धीरे आ जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत हेडेक तो मेरे को भी है। परसों का पानी है लेकिन सही में साथ देगा इसका। थोड़ा सा अप एंड डाउन रह सकता है क्योंकि शी इज नॉट फीलिंग वेल। चले भाई थोड़े, वैसे अभी तो है हमारे पास हाफ एन आवर, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। सांप बना दे सांप। सर घूम रहा है सांप बना दे सांप। तो फिर अभी यहाँ पे तो वो लाई है क्या बोलते हैं क्या फीवर के लिए जो कौन सी लाती, फीवर थोड़ी तो नहीं है ना ही कोल्ड है, अजीब सा उल्टी उल्टी जैसा मन हो रहा है, मैं सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। हमारा तो एक ही इलाज है लिमका पीले, हमारे घर में तो यही कहते हैं सर कुछ अच्छा पेट में दिक्कत लिमका पीले, उससे दूर रहे तो जो कोरोना वायरस हो जाएगा। कोरोना वायरस तुझे है? नहीं है। तो फिर अंदर जाने में हमारा ऑफिस में इन करने में टाइम है फिलहाल, तो मैं सोचता थोड़ी देर रेस्ट ही कर लेते उसके मरी जाती मुझे बढ़िया लगता है। सच में परेशान नहीं करता क्या, चलना अंदर कुछ नहीं बोले पानी पीना तुम बुद्धू। मुझे मरी जाती है सकता है बुल्लो इधर फंस गया अयो। अबे उधर से निकल जाना, फंस गया मैं तुझे पहले ही कहा था मुझे खाने पीने पे ध्यान दे, लेकिन इतना नहीं कि फंसे। बड़ा हरामी हो So guys, चाय पी के मैंने शाम कर दी है। मास्क नीचे कर ले तू। अरे
चलान कटवाना है आज हमें। नहीं नहीं अभी मास्क ऊपर लगा रहे हैं, तब तक बस ब्लॉक कर रहे हैं, तब तक ही मास्क नीचे रहता है हमारा, अदरवाइज हम ऊपर रख लेते हैं। ऊपर रख ले, ये माथे पहनती है। नहीं मतलब कि मतलब सीरियसली यार, सुबह कितने ड्रामे कर दिए और इस टाइम देखो भाई है ना, बंदा थोड़ा सा ठीक हो जाए तो फालतू में ड्रामे करना स्टार्ट कर देता है। अबे यार वो खाली पेट की उकाई और ठंड लग जाती है ना, मुझे कुछ खाओ तो उसके बाद उकाई आ जाती है। आदमी है परेशान रहेगा ही रहेगा। शट अप। बट सीरियसली भाई रोड पर एकदम चकाचक भाई। ये तो फिर भी नोएडा है लेकिन इससे लगा दिल्ली के रोड दिखा दी ना अभी तुमने, कसम से मजा आ जाने वाला है। ऊपर से मैंने नोएडा भी इतना खाली नहीं देखा बे, इस समय जब हम ऑफिस से जाते हैं भरा पड़ा रहता है। कसम से इस वाले पेट्रोल पंप पे हाफ एन आवर तो पेट्रोल भरा गया था, बट आज पूरा खाली है। दिख रही है सरकारी चाहिए नहीं यार। एग्जैक्टली मतलब सीरियसली मैं ये बोलना चाहूंगा कि यार मुझे कभी कभी लगता है कि वैक्सीन लगाने का फायदा क्या इनका, जब तुम्हें फिर भी लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ रहा है। मानता हूँ वेरिएंट चेंज हो गया लेकिन स्टिल जो पहले वाले कोरोना जो है जो भी एक्चुअल है उससे भी तो कौन सा कुछ हो रहा है, फिर भी लोग मर रहे हैं। फायदा क्या उस चीज का, ग्रीन है ना। निकल जाओ निकल जाओ आप अपनी बात कंटिन्यू कर लोगे। समझ में ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो वर्क फ्रॉम होम तो पहले भी किया है लेकिन आई विल ट्राई। इस बार के मजे ये हैं कि हमारे को ऑफिस से आई कार्ड वो पासिस मिले हुए हैं तो हम थोड़ा बहुत हांडो वाले तो हम घूम सकते हैं। इस बार हमें घूम सकते हो लेकिन बोलते ना परमिशन सी है। दिक्कत वो है, दिक्कत कहाँ है कि कुछ खुला ही नहीं होगा तो जाओगे काम। लास्ट टाइम मतलब जब भी ये कोविड का ये लॉकडाउन या कर्फ्यू जो भी एनऑल हो रहा था उस समय हम घर में बैठे थे, बट इस बार इस बार जो पहले बाहर के ब्लॉग डाल मतलब लास्ट ईयर ब्लॉग स्टार्ट कर दिए थे चार हमने, लेकिन बाहर निकलने का मन वो नहीं था, कोई परमिशन नहीं थी, हम बाहर लोग बाहर चले जाते थे। यार ये बंदा बाहर जाता कैसे है, ऐसा कौन सा पास है जो इसको मिल जाता और हमें नहीं मिलता। अब हमें मिल गया, अब हमें मिल गया, हम भी आंडेंगे और आप लोगों को दिखा देंगे। देखो यार आप लोग बाहर तभी निकलना जब आपको जरूरत हो, नहीं जब आपको जरूरत हो। फालतू में नहीं, हमें जरूरत है मतलब अभी ऑफिस आना जाना पड़ रहा है तो ही हम बाहर निकल रहे हैं, बेफालतू में हम भी नहीं निकल रहे। दो चार दिन बाद हम भी घर में कैद हो जाएंगे। मैं खुश हूँ उस कैदी से, मैं भी कम से कम सेफ तो है। सेफ है, ग्रीन हो गई, चलो चलो ग्रीन हो गई, हम भी चलते हैं, आप लोग भी चलो हमारे साथ। चलो इस बेवकूफ पे साफ साफ लिखा बुलाती है, जाने का नहीं। रेड लाइट इसे बुला रही थी बेटा निकल जा, ग्रीन लाइट इसे बुला रही थी निकल जा, मेरे भी डेढ़ मिनट खराब करा दिए इन्हें। तभी तो नहीं गए, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तेरी शक्ल देख के मुझे यही आ रहा था, बुलाती है मगर जाने का नहीं। कुछ ना कुछ सीन करती है तू पक्का। नहीं यार वो तो सुबह आज हो गया, जरूरी नहीं है हर किसी का दिन खराब होता है, किसी किसी की तबीयत खराब अचानक से हो जाती है। एक हेल्थ है इंसान का शरीर, ये भी एक घर है यार, दूसरा कभी भी खराब हो जाता है ना। घर भर नहीं आप, इंसान की बॉडी है कभी भी जवाब दे सकती है। तेरी तेरा तेरा तेरी बॉडी जवाब देगा क्या? सुबह सुबह हो गया थोड़ा सा, या तो ये मान लो ठंड लग गई, या तो ये मान लो कि मैं गाड़ी में सुबह सुबह बैठने की आदत भी है। भाई साहब कसम से ये वाला रीजन बढ़ गया था मोटू कि गाड़ी में सुबह सुबह बैठने की आदत नहीं, मुझे गलती से बिठा लिया तूने आज, वो भी ऑफिस जाते टाइम फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम नहीं, पहली बार, पहले भी बैठी हूँ पाली, वो भी दिसंबर में। हमेशा दिसंबर में थोड़ी ना बैठूंगी, इस बार जनवरी में बैठी थी इसलिए। ये गया बाहर मेरे लिए वेज रोल ना। हाँ वेज रोल से। ये गया मेरे लिए वेज रोल लेने, कसम से मजा नहीं आ रहा है खाने में। क्यों मोटू मैं प्रोटीन की चीजें खाना चाहता हूँ, तुझे भी ऐसे कुछ खिला रही है। यार तू तो मोमोज खिला रहा था, उसमें ज्यादा प्रोटीन होता है ना। मेरे को नहीं पसंद मोमोज खाना यार, वो मैदा मैदा पेट में लगता है। तो ये तो जो तेरे उसमें वीक प्रोटीन होने के आ रहे ना वो। यार मैंने उनको पैसे दिया ओट्स में बनाने के। क्या होता है ओट्स, ओट्स वाले वो है ये वेज रोल, वो ही खाती हूँ हमेशा। भैया के फेमस है, लेके भी जरा एक बार। मजाक कर रही थी तभी मैं, तेरे मुंह पे तो लाल लाल क्यों पड़ा हुआ है? मैं तबीयत खराब होने से मेरा फेस बहुत डल सा हो गया ना। सही बात है, चाहे जो छोटी सी फैमिली यूट्यूब पर पता होना चाहिए उसकी शक्ल कितनी खराब है। भाई इससे मैंने पहले फर्स्ट टाइम जब मोमोज खाए थे ना कसम से बड़े जानदार बनाता है, अभी भी जानदार बनाता है। मोमोज उसके थे, वेज रोल इसका पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। लाइट कैसी सी आ रही है ना। देख अभी चल ले घर पे जल्दी बनवा ले इससे, क्योंकि क्या है रात को पुलिस वाले रोक ले सीन हो जाएगा। कितने बैच रोल एक बनवा लिया मैंने, खाएगा। अबे अबे मैंने अपने लिए एक बोला था, तू अपने लिए देख ले बाबा, मैं नहीं देने वाली। चल वैसे ही मुझे खाना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू देख ले मैं आई विल मैनेज। मैनेज लेके तो मुझे जाने बाहर से। सो मेरा वेज रोल रेडी है। ओ ओ खा क्यों गया बे, ओए ओ हेलो क्या मुंह क्यों मारा तूने अपने लिए? दूसरा ले अकबर।
ये आपके लिए इसलिए आया है क्योंकि मैं टेस्ट करके बता दूं, मेरे मालिक को कुछ होना नहीं चाहिए। यार टेस्ट वेस्ट यार, तू अपना खुद खा लेना ना, के पैसे वाला नहीं है तू, अमीर आदमी है, गाड़ी वाला है, दे दे दे। टेस्ट तो कर लू, अब इस गरीब को दे दे। अजूरे आलम को कुछ होना नहीं चाहिए ना, थप्पड़ मार तू। ओ टेस्ट के नाम पे पूरा खाने वाले आदमी थे। जल्दी दे, हवा घुस रही है, मैंने जैकेट नहीं डाल रखी, ठंड लग रही है। अजूरे आलम कुछ होना नहीं चाहिए, दे दे। यार सच में अभी तो ये दिन चालू हुए थे कि यहाँ पे कुछ हरियाली वरियाली दिख रही थी अक्षरधाम पे, लेकिन अब तो वाला फील लग रहा है मुझे, कहाँ गए वो दिन। अबे पीछे वाला रोड दिखा लोगो, कितना खाली हो गया ये। हर साल ना ऐसे एक समर वेकेशन होता है, विंटर वेकेशन होता है, अब होता है कोरोना वेकेशन, क्योंकि हर साल आता है। नहीं लॉकडाउन वेकेशन, लॉकडाउन वेकेशन, लॉकडाउन वेकेशन नहीं, लेकिन लॉकडाउन आता किसकी वजह से? कोरोना। तो दैट इज अ कोरोना वेकेशन, सो वी आर एट कोरोना वेकेशन। देख वैसे साइड में अच्छा लग रहा है वो, है ना? हाँ, वो दिख ही रहा होगा कैमरा, लग तो अच्छा रहा भाई, तू भी होने से। ये रोड बेचारा कितना हरा भरा रहता था, कसम से सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया यार, सूखा पड़ गया। अरे हाँ गाइस, अब आप लोगों को ना एक चीज तो बता नहीं पाई, हम वैष्णो देवी जाने से पहले ना हमने अपनी गाड़ी में कुछ काम कराया था, वो ब्लॉग हम डाल नहीं पाए थे क्योंकि वो क्लिप्स थोड़ी सी हो गई थी घर पर। हमने ना गाड़ी का अपना हॉर्न चेंज कराया, मुझे जाना पड़ा, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट रुको। जब मैं बोलूंगी ना 1 2 3 तब तू हॉर्न को ब्लो करियो, फिर करियो और मुड़ के तू देख गोरी है, मुंडा हॉर्न से ब्लो कर दा। इस पागल आदमी तो फट रही है ठंड के मारे, अंदर जाके बैठ गया ये। मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या चेंज कराया है। पहले तो ये नीचे वाले दोनों लैंप्स जो है ये चेंज हो गए हमारी गाड़ी के, और हॉर्न की आवाज आप लोग इमेजिन करना और सुनना, 3 2 1 ये ग्रेट सक्सेस, ये हमारा नया हॉर्न है। अबे अंदर बैठ के जब हम हॉर्न मारते हैं ना इतना नहीं पता चल रहा, लेकिन बाहर से मुझे ऐसा लग रहा है ट्रक वाला मेरे को हॉर्न मार रहा है। तो वही लगवाया ना मैं, मेरी सतरंगी आ गई। अबे रुक जल्दी फोन पकड़ो, बहुत ठंडा मार। ट्रक वालों के पीछे लिखा होता है ना, मतलब मैंने बहुत जगह देखा ट्रक वालों के पीछे लिखा होता है ऐसे ही कुछ शायरिया वायरिया, तो इसलिए लगा मुझे बहुत ज्यादा ठंडा मार। कसम से मैं ना गलती से बताने चला गया था उसको। किसके लिए क्या था ये, कहाँ खड़े हैं हम? अक्षरधाम, अक्षरधाम पे, उसके लिए बताने चला गया था, लेकिन सीरियसली भाई बहुत ज्यादा ठंड है यार। तो अब भाई चलते हैं घर की तरफ, मोटू घर पे बनिए। यार मैंने ना वो गलती से वो गंदा वाला वो पास्ता था वो क्या खा लिया था मैं, बड़ा था उससे चीली चीली हो रहा है पेट में। अपसी बना भी चाहिए, अच्छा मैंने कंट्रोल किया, सच मेरे को क्रेविंग बहुत थी कि मुझे खाना है, लेकिन मैंने कंट्रोल कर लिया, मुझे पता था कुछ बोल रहा है 10 बाइट खा गया उसमें से, फिर कह रहा मैंने नहीं खाया, झूठ बोलता है यार। समझ गए, कोई बात नहीं, परेशान कौन हो रहा है इस टाइम, तो आप समझ जाओ। बाय बाय भाई साहब, मैं थंबनेल के लिए फोटो खिंचवाने के लिए रुकी थी वहाँ पे नाइट कर्फ्यू में, यूं करके लो मुझे गुंडा लग गया, क्या कर रही है लड़की, कह रही असली नाइट कर्फ्यू तो यही ब्रोक कर रही है, इससे बोला मतलब ब्रोक कर रही है, ठंड बहुत ज्यादा है, ये वाली विंडो खुली हुई है, क्यों खोले, क्यों बंद कर लेना हीटर चला ले। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हमने बस आपको एक ग्लिम्स दिया कि आप लोग भी बाहर मत निकलो, हम निकल रहे हैं कोई बात नहीं, क्योंकि अभी ऑफिस है इसलिए निकल रहे हैं, बस हम निकल रहे हैं, हम पागल हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप निकलो अपना सेफ्टी का ध्यान रखो, लेकिन क्योंकि अब तो ओमिक्रॉन भी ज्यादा स्प्रेड हो रहा है बहुत ज्यादा, सब कुछ ठीक है, ध्यान रखो अपना, मेरा रिस्क है, मैं घूम रहा हूँ ओमिक्रॉन के साथ, मैं ओमिक्रॉन के मेरे साथ घूम रहा है, तो आप अपना ध्यान, जोक्स अपार्ट बट हाँ बी सेफ बी काइंड बी हम्बल गाइस, एंड आई एम गेटिंग लेट। अगर आप व्लॉग में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आई नो ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया, बट अब कंटिन्यूस व्लॉग आते रहेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। पागल है क्या ये, क्या कहते हैं, पागल है बिल्कुल ही, पता नहीं क्या क्या करता है।